फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में हमने सीखा था बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश के, यानी कि हमने सिर्फ एक फॉर्मूला सीखा था, डूअर प्लस एक्शन। तो हमने यस में आंसर देना सीखे थे, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाती, अब वे स्कूल नहीं जाती ये हमने नहीं सीखा, यानी कि हमने पॉजिटिव में तो आंसर देना सीखा, सिंपल वे में इंग्लिश बोलना तो सीखा, लेकिन नेगेटिव में आंसर देना नहीं सीखा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ सीखेंगे कि अगर हमें कोई बात मना करनी है तो हम मना कैसे करेंगे, मना करने का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा सेम है, डूअर प्लस एक्शन, जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में सीखा था। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि हमें अपने आंसर को नेगेटिव में देना है, तो हम नेगेटिव में कैसे आंसर देंगे। तो एक ही तरीका है उसका, बस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है, सेम फॉर्मूला है, क्योंकि हमें मना करना है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है रिप्लाई टू नो, यानी कि जब अगर आपको कोई किसी बात का रिप्लाई नो में देना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डूअर प्लस डज नॉट प्लस एक्शन, या डूअर प्लस डू नॉट प्लस एक्शन। अब बात आती है कि डूअर के साथ डज नॉट कब आएगा और डूअर के साथ डू नॉट कब आएगा। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमारा डूअर सिंगुलर होता है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा डूअर प्लूरल होता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि डूअर डज नॉट, और यहाँ पे हमने एरो से बनाया हुआ सिंगुलर, यानी कि जब हमारा डूअर सिंगुलर होता है तो हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, और जब हमारा डूअर प्लूरल होता है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब मैं बोल रहा हूँ मैं स्कूल नहीं जाता, यानी कि डूअर क्या है इसमें, आई है, आई क्या है हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम बात करें कि मुझे कचौड़ी पसंद है, कचौड़ी को इंग्लिश में पाई बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस है मुझे कचौड़ी पसंद है, आई लाइक, भाई मुझे, डूअर क्या हुआ, आई, डूअर कैसा है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए एक्शन में एस ये एस नहीं आएगा, मुझे कचौड़ी पसंद है, एक्शन क्या है मेरा, लाइक, पसंद, आई लाइक पाई, मुझे कचौड़ी पसंद है, कचौड़ी को इंग्लिश में पाई बोलते हैं, आई लाइक पाई। अब मैं बोलूँ कि मुझे कचौड़ी नहीं पसंद है, तो डूअर क्या है हमारा, आई, यानी कि प्लूरल है, इसलिए हम, और रिप्लाई हमें काय में देना है, नो में देना है, इसलिए डू नॉट का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट लाइक पाई, मुझे कचौड़ी नहीं पसंद है। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड लेके आए हैं जिसका हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे समोसा, कचौड़ी, खोया, जलेबी, गोलगप्पे, नमकीन, रायता, पकवान, घी, चटनी, मालपुआ, मीठी चटनी, पनीर, दही, मक्खन। तो आज जो हम सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव में, इन्हीं वर्डों को लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस में हम आपको सिंपल सेंटेंस बताएंगे जो हम पहले भी बता चुके हैं, और दूसरे में हम आपको, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव की क्लास है इसलिए हम नो में ही आंसर देना सिखाएंगे। देखिए, मुझे पकौड़े पसंद नहीं हैं, पकौड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइटर्स, FRITERS, फ्राइटर्स, मुझे पकौड़े नहीं पसंद है, तो डूअर क्या है हमारा, आए, और डूअर हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, प्लूरल जब डूअर होता है डू नॉट का यूज़ करते हैं, तो आई डू नॉट। अब इसमें हमारा एक्शन क्या है, पसंद, पसंद हमारा एक्शन है, इसलिए लाइक लगाएंगे। अब क्या है, पकौड़े फ्राइटर्स, आई डू नॉट लाइक फ्राइटर्स। नेक्स्ट है, वे कचौड़ी नहीं खाती, डूअर क्या है हमारा, शी, और हमारा डूअर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर डूअर के साथ में हम डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में आंसर देते समय, और एक्शन है हमारा खाना, खाती, तो एक्शन होता है हमारा ईट। वैसे आप लोग ईट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ईट जो है ये अब
ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और ईट की जगह टेक ने ले ली है। खाने पीने से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप टेक का यूज़ करिए। तो शी डज नॉट टेक, कचौड़ी को इंग्लिश में पाई बोलते हैं, शी डज नॉट टेक पाई। नेक्स्ट, हम कचौड़ी नहीं खाते, वी डू नॉट टेक पाई। यहाँ पे हमने कुछ इन्हीं वर्डों की स्पेलिंग है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, देख लीजिए। रिसोल मीन्स समोसा, पाई मीन्स कचौड़ी, कंडेंस्ड मिल्क खोया, फनल केक जलेबी, वाटर वॉल्स गोलगप्पे, बन गुलगुले, क्रिस्प सॉल्टी नमकीन, जो आप नमकीन खाते हो नमकीन, मिक्स्ड कर्ड रायता, ड्रेस्ड फूड पकवान, क्लारीफाइड बटर घी, सॉस चटनी, पन केक मालपुआ, स्वीट सॉस मीठी चटनी, चीज़ पनीर, कर्ड दही, बटर मक्खन। अब इन्हीं वर्डों को लेकर हम सेंटेंस और भी बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे समोसे बहुत पसंद है, सिंपल सेंटेंस है, मुझे समोसे बहुत पसंद है, तो आई लाइक रिसोल। मुझे समोसे नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक रिसोल। लेकिन मेरी मम्मी को समोसे पसंद है, लेकिन को बोलते हैं बच, बच माई मदर लाइक रिसोल सो मच। छोटी बहन को कचौड़ी पसंद है, यंगर सिस्टर लाइक पाए। पापा को जलेबी और कचौड़ी दोनों ही नहीं पसंद है, तो माई फादर डज नॉट लाइक पाई एंड फनल केक, फनल केक जलेबी, राइट। और आज तो रायता खाने का मन है, तो आई वॉन्ट टू टेक मिक्स्ड कर्ड, आई वॉन्ट टू टेक मिक्स्ड कर्ड, मैं रायता खाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे मीठी चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक स्वीट सॉस क्वाइट। नेक्स्ट, जैसे हम लेते हैं गोलगप्पे, लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं, गर्ल्स टेक वाटर बॉल्स, लेकिन लड़कों को गोलगप्पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट बॉयज डू नॉट लाइक वाटर बॉल्स। तो गाइस, ये थे हमारे सेंटेंस। हमने इन वर्डों का यूज़ करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंस बनाने की कोशिश की है। हमने आज तक की क्लास में यस में भी आंसर्स देना सीख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, और आज की फोर्थ क्लास में हमने नो में भी आंसर्स देना सीख लिया है, नो में भी रिप्लाई देना सीख लिया है। तो जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी क्लास के का जो लेवल है वो थोड़ा हाई होता चला जाएगा। तो आपको जितनी भी क्लासें दी गई है, उन सभी क्लासों में आने वाले फॉर्मूले और आने वाली स्पेलिंगों को आप अच्छे से, मीनिंग को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि जो सिक्स क्लास होगी उस सिक्स क्लास में सिर्फ आपका रिवीजन टेस्ट होगा कि आपने फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक क्या सीखा और कितने सेंटेंस आप बना पाते हो और आप में क्या इम्प्रूवमेंट अभी तक आया है। तो गाइस, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।